नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर तेरह जुलाई 2022 हजार बाईस प्रातः आठ बजकर के एक मिनट पर दैत्य गुरु अपनी वर्तमान स्वराशि राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपने मित्र युवराज बुध की साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं देखा जाए तो निसंदेह शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं तुला राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है लेकिन मिथुन वो राशि है जहां शुक्र को सबसे ज्यादा बल मिलता है क्योंकि शुक्र दाम्पत्य के कारक है क्योंकि शुक्र आकर्षण सुख और सौंदर्य के कारण है ऐश्वर्य वैभव कला के कारक है शुक्र ऐसे शुक्र जब मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे तो यह मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव उत्पन्न करेगा आज हम इसकी चर्चा करेंगे मैं बताते चलूं कि शुक्र 7 अगस्त 2022 तक मिथुन में और इसके पश्चात कर्क में प्रवेश करेंगे यह गोचर मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है उसी के आधार पर आप इस राशि फल को देखिए प्रिय दर्शकों गोचर की चर्चा प्रारंभ करूं उससे पूर्व जो एक सामान्य सी चर्चा है बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये तो बहुत छोटे दिनों के लिए गोचर है इसका क्या प्रभाव होगा असल में ये सोच गलत है देखा जाए तो एक मिनट में ही बहुत कुछ बदल जाता है कल तो आपने ऐसा कुछ ना सोचा हो जो आज घटित हो जाए यह तो फिर भी एक लंबी अवधि है बहुत लंबी अवधि अब कोई भी घटना जब आपके जीवन काल में घटित होने वाली हो जरूरी नहीं है किसी को रोग भी होना हो तो क्या एकाएक ऐसा एक एक रोग हो जाता है कि सीधे फोर्थ स्टेज पर पहुंच गया डॉक्टर कह देते हैं भगवान की शरण में जाइए बात खत्म ऐसा तो नहीं हो सकता वो रोग शरीर में पहले से आया होगा और इसके बाद दिखाई पड़ा बहुत समय बाद वैसे ही ये समय अगर किसी के लिए अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि आपको इस अवधि के दौरान ही सब कुछ अच्छा मिल जाए लेकिन यह बेहद जरूरी है कि इसी अवधि के दौरान उसकी नींव रखी जाएगी वो कार्य प्रारंभ होगा का और आने वाले दिनों तक लाभ देता रहेगा कुछ बुरा होने वाला है जरूरी नहीं है कि आज ही सारी बदनामी और बेइज्जती हो जाए कार्य की शुरुआत यही होगी घटना हो सकता है आगे घटित हो यानी किसी भी घटित होने वाली घटनाओं में आज के आज सब कुछ हो जाए जरूरी नहीं है ये तो बीज का वमन है वपन है बीज बोया फसल आगे उगले उगेगी कटाई बाद में चलते हैं राशि फल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए यह शुक्र का जो गोचर है जो कि आपकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है तृतीय भाव यह पराक्रम का भाव है वैसे शुक्र का पराक्रम से कोई लेना देना नहीं है परंतु शुक्र आपके लिए सप्तम पति और धनपति बनकर के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं देखा जाए तो मैं शुक्र का तृतीय भाव में उपस्थिति मैं बहुत अच्छा तो नहीं मानता आपके लिए ठीक ठीक क्यों ठीक-ठीक क्योंकि इस घर में पाप ग्रह कहीं ज्यादा अच्छा परिणाम देते हैं हालांकि तो है भी भी धन ही अपने पराक्रम में और वृद्धि करेंगे परंतु भोग विलास में कोई कमी नहीं आएगी वर्न भोग विलास पर भी आपकी खूब आपकी वृद्धि होने वाली है और व्यय भी होने वाला है हाँ छोटे भाई बहन है तो उनका सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा विद्यार्थियों थी। के थी। लिए ठीक है अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो विद्या के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता आपको मिल सकती है क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र की भाग्य भाव पर दृष्टि होती है सो भाग्य में भी कही न कहीं ना कहीं वृद्धि होगी तो आप कहेंगे कि आपने कहा बहुत अच्छा नहीं है और बातें तो आप लगभग अच्छी ही बता रहे हैं चूंकि परिश्रम से जुड़ा हुआ है इसलिए अच्छी बातें आ रही लेकिन जैसा मैंने कहा कि शुक्र शुभ ग्रह हैं और तृतीय भाव में पाप ग्रह कहीं ज्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं सो so, परिश्रम से ही आपको हर कार्य में सफलता मिलने वाली हर कार्य के लिए जो मैं बता रहा हूं हंस हंस करके वो बत जान लीजिए कि हंस बहुत अधिक परिश्रम करेंगे तब जाकर के वो चीज प्राप्त होगा और धार्मिक कृत्यों में अगर रुचि बढ़ेगी धार्मिक यात्रा होगी धर्म से संबंधित कार्य करेंगे धर्म से संबंधित कार्यों में व्यय करेंगे तो आपके लिए कहीं ज़्यादा अच्छा सिद्ध होगा हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि धार्मिक कृत्य करने से आपके जीवन काल में कहीं जो परेशानियों की सूचना हो सकती है उसमें कमी आ जाएगी और सुखों में आपकी वृद्धि होगी संतान पक्ष से भी सुख और सहयोग प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है इस गोचर काल को और अच्छा बनाने के लिए आप सरल उपाय करिए सेवा करिए देवी की आराधना करिए लक्ष्मी की आराधना करिए इससे होचर और उत्तम होगा और वृषभ के लिए होचर देखा जाए तो आपकी राशि से धन भाव में होने जा रहा है और द्वितीय भाव वाणी का है यहीं पर बुध भी सात होंगे शुक्र के अब शुक्र बुध की युति साथ ही साथ सूर्य ठीक है कि बुध आगे परिवर्तित हो जाएंगे लेकिन फिर भी शुक्र का द्वितीय भाव में जाकर के बैठना अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र की वो राशि का साधारण राशि का वो भाव है वृषभ राशि वहां पर यहां पर शुक्र की उपस्थिति अच्छी मानी गई है वाणी का भाव है तो जातक बहुत मीठा बोलता है धनागमन की भी संभावना इस गोचर काल के दौरान हो जाती है तो ही कुटुंब के मध्य मांगलिक कृत्य भी होने लगते हैं इस समय गोचर काल के दौरान यानी शुक्र जब आपकी राशि से द्वितीय में गोचर करेंगे तो होटल की चीज़ों पर खूब मसालेदार चीजों पर या फास्टफूड फूड इत्यादि में आपकी विशेष रुचि उत्पन्न होगी नए नए वस्त्र आभूषण प्राप्त करने की इच्छा जागेगी मकान भूमि ये पहले से है तो उसमें और ज्यादा कैसे और शानदार शानदार उसको बनाया जाए इस पर आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी हालांकि ध्यान रखिए कि शारीरिक कष्ट भी बढ़ सकता है अगर खान पान पर नियंत्रण न रखें क्योंकि सुख का एक आगे बढ़ते बढ़ते अगर देखें तो सुख जाकर के कई बार मद्यपान से टकरा जाता है अब उन कहाँ सुख मद्यपान में होता है पता नहीं परंतु मद्यपान से वो टकराता है और फलतः शरीर स्वस्थ रहेगा मैं ये नहीं कह सकता अष्टम पर दृष्टि के कारण आप हो सकता है हालांकि आयु वृद्धि में कोई कमी नहीं लाएंगे ये संचित शुभ कर्म का ही फल माना जाएगा फिर संभव है कि आप खान पान पर गलती करें अनियंत्रण लाएं और मैं जितनी अच्छी बातें कह रहा हूं वो सब बुरे में परिवर्तित हो जाए लक्ष्मी की अन्नपूर्णा की आराधना करिए खान पान पर नियंत्रण रखिए नहीं अपच और पेट से संबंधित शारीरिक कष्ट भी संभव है तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर को मैं ठीक कह रहा हूं और बात अगर मिथुन की करें तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए शुक्र का आपके आपकी राशि पर आना आपके लग्न में चंद्र कुंडली के लग्न में उपस्थित होना समझ लीजिए कि हर प्रकार के भोग की प्राप्ति की यह सूचना है निखार आ जाएगा आपके चेहरे में सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं में भी कहीं ना कहीं दिलचस्पी आपकी बढ़ेगी और ये प्राप्त करेंगे मित्रों की भाई बंधुओं की खूब संख्या भी आपके जीवन काल में बढ़ने वाली है तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह बहुत बढ़िया अगर पिता का आपको सहयोग प्राप्त हो पिता से सलाह लेकर के आप काम करें तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया सिद्ध होगा नौकरी व्यापार हर मामले में इस गोचर को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा नौकरी में पदोन्नति की प्रबल संभावना परंतु कहीं ना कहीं आपके विचार में कुछ गलत विचार अर्थात व्यभिचार की भी संभावना बढ़ेगी तो सावधानी रखिएगा सप्तम पर पूर्ण दृष्टि के कारण यह गोचर आपके व्यापार में सफलता लाने वाली व्यापार में विशेष सफलता साजो सम्मान पर खर् समान साजो सम्मान पर आपके खर्च तो बढ़ेंगे लेकिन इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि यह गोचर आपके लिए बहुत सुख उत्पन्न कराने वाला है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है बस ईमानदार बने रहिए अपने जीवन साथी के प्रति कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है और कर्क की यदि बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से बारहवें में होने जा रहा है शुक्र बारहवें में गोचर करें और अच्छा फल ना दें ऐसा हो नहीं सकता ये अलग बात है कि ये धन संचित नहीं होने देंगे अब अच्छा भी होगा और खराब भी होगा अब यह तय करना है कि क्या जो खराब है वह आपके लिए अच्छा है जैसे बहुत ज्यादा धन हानि होने वाली है अब धन हानि कैसे बर्बाद नहीं होगा आप अपने ऊपर ही खर्च करेंगे साजो सामान पर ही खर्च करेंगे लेकिन व्यय बहुत ज्यादा होगा संचित धन भी हो सकता है समाप्त तो हो इसकी संभावना है हालांकि कुल मिलाकर की यह अवधि बहुत अच्छा है आपके लिए निर्माण इत्यादि का कार्य बहुत दिनों से रुका पड़ा था वो होता दिखाई पड़ रहा है इस पर भी व्यय हो सकता है शत्रु वर्ग भी यहां पर हावी होने का प्रयत्न करेगा लेकिन उन पर भी विजय आपको प्राप्त होगा अब कुछ लोगों के लिए घर से दूर जाना ठीक नहीं स्थानांतरण ठीक नहीं लेकिन संभव है कि स्थानांतरण की, स्थाना की स्थिति उत्पन्न हो कुछ लोगों के लिए विदेश जाने का रास्ता खुल जाएगा तो ये उनके लिए खुशी की बात हो सकती है कुटुंब का साथ तो प्राप्त होगा कार्य में सफलता भी मिलेगी परंतु मनोरंजन और भोग विलास की सामग्रियों के ऊपर जबरदस्त धन व्यय करने वाले हैं तो कुल मिलाकर के आय से अधिक व्यय की अधिकता दिखाई पड़ रही है और शत्रुओं का भी आपके जीवन काल में शत्रुओं पर विजय मिलेगी अलग बात है परंतु शत्रुओं का आपके जीवन काल में विशेष आगमन यह ठीक तो नहीं कहा जा सकता विवाहित जो लोग हैं उनके जीवन में अगर कुछ समस्या है तो उसका समाधान इस अवधि काल के दौरान ढूंढ लेना चाहिए और दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कलह की स्थिति उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए बाकी मां भगवती की आराधना करिए और गो सेवा करिए गो गो को हरा चारा दीजिए तो यह गोचर और उत्तम होगा शुभ के लिए यह गोचर लाभ में होने जा रहा है और लाभ में यह गोचर में समझता हूं धन के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है यह उपस्थिति आय में आपके वृद्धि उत्पन्न कराने वाली है शारीरिक स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता रहेगी लेकिन वो चिंता दूर होगी भाग्य का साथ मिलेगा सभी कार्यों में सफलता आपको मिलने वाली है दाम्पत्य जीवन भी पूर्णतः तो सहयोग सुखद या यूं कहिए कि स्त्री वर्ग से विशेष रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा मन प्रसन्न रहने वाला है संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो दूर होगी विद्या के क्षेत्र में जो विद्यार्थी उन्हें विशेष सफलता प्राप्त होगी संगीत कला इत्यादि के फील्ड में यह समय आपके लिए अत्यंत उत्तम है गायन के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता समाज में मान सम्मान की प्राप्ति संतान पक्ष के लिए भी अगोचर अत्यंत अनुकूल दिखाई पड़ रहा है हाँ संतान से कुछ मामलों में वैचारिक मतभेद की संभावना है तो उसे आप संभाल लीजिएगा और मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करिएगा बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सम के लिए अगोचर उत्तम है गो सेवा आपके लिए भी उत्तम रहेगा और साथ ही साथ देवी की आराधना करिए मां भगवती लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के घी का दिया जलाइए और यही अगर हम कन्या के जातकों के लिए शुक्र के गोचर को देखें तो यह आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है तो दशम में होना अच्छा है परंतु दशम में शुक्र चूंकि क्या होता है कि चतुर्थ में बलवान होते हैं दिग्बली तो दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं तो इतना इनको बल दशम में नहीं मिलता है दसम के काराग्रह नहीं है फिर भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा संभव है कि कार्यक्षेत्र में आपको विरोध का सामना करना पड़े स्वास्थ्य में भी थोड़ी प्रतिकूलता आएगी हालांकि भाग्यपति बनकर के कर्म में जाएंगे सो आप प्रयत्न करिएगा तो आप अपनी परेशानियों को स्वतः ही परेशानियों का जड़ से उसको समाप्त कर सकते हैं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता आ सकती है किसी ना किसी बात को लेकर के मतभेद नौकरी पेशा लोगों को भी कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी आएगी व्यापारी वह तो आप मजदूर वर्ग का आपको सामना करना पड़ सकता है धन हानि की संभावना है तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के यह गोचर में आपके लिए मानसिक शारीरिक आर्थिक कष्ट की स्थिति अशांति देने वाला ही देख रहा हूँ वाहन इत्यादि का भी चला रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ नया कोई वाहन भवन इत्यादि खरीद रहे हैं तो सावधानी के साथ और विशेष करके स्त्री वर्ग का सामना विरोध आपको सहना पड़ सकता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुरुषों को स्त्री हैं तो भी स्त्री वर्ग का सामना आपको करना पड़ेगा विरोध सहना पड़ेगा यानी कुल मिलाकर के मन अनुकूल सफलता प्राप्त करते मैं नहीं देख रहा हूं घी तो तो सात का दिया माँ के मंदिर में देवी के मंदिर में जाकर जलाइए तो इससे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी तुला के लिए गोचर यूं समझ लीजिए भाग्योदय उत्पन्न कराने वाला है भाग्योदय कराने वाला है भाग्य का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होने वाला है प्रत्येक कार्य आपका सफल होता दिखाई पड़ रहा है प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी सरकारी क्षेत्र में स्थायी लाभ की संभावना है धार्मिक क्षेत्र में भी आपको विशेष रुचि आपकी जागेगी यहाँ भी सफलता मिलेगी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया नौकरी क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर मिल रहे हैं और शत्रु वर्ग आपका पराजित होगा आपसे प्रत्येक कार्य में आपको सफलता और सुख की प्राप्ति होगी शत्रु पक्ष से भी यदि धन प्राप्त हो शत्रु पक्ष से भी यदि लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति हो तो समझ लीजिए शुक्र ही करा सकते हैं सबसे आपको सहयोग और सफलता दिलाने वाले कुल मिलाकर के हगोचर आपके लिए आपके जीवन काल में जबरदस्त सफलता पराक्रम में वृद्धि कराने वाला है स्त्री वर्ग से विशेष सहयोग प्राप्त कराने वाला है स्त्री स्वरूपा मित्र यानी स्त्री के रूप में मित्र की प्राप्ति दिखाई पड़ रही है बस पुरुषार्थ से पीछे मत हटिए स्त्री हो या पुरुष जितना हो सके प्रयत्न करिए पुरुषार्थ करिए क्योंकि पुरुषार्थ से ही आपको हर तरह से सफलता मिलेगी आय में वृद्धि होगी और आप इस गोचर काल के दौरान जबरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं यानी कुल मिलाकर के तुला के जातकों के लिए गोचर भाग्योदय का रहने वाला है गाय को हरा चारा दीजिए और बस देवी की आराधना करिए वृश्चिक के जातकों के लिए गोचर उत्तम नहीं कहा जाएगा क्योंकि आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है यह गुप्त रोगों की संभावना उत्पन्न कराता है अष्टम में शुक्र की उपस्थिति परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में परेशानी हां जो लोग तंत्र मंत्र के फील्ड में ज्योतिष के फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं खोज कर रहे हैं उनके लिए उन्नति की संभावना है संचित कर सकेंगे धन इस गोचर काल के दौरान परंतु जैसा मैंने कहा सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पर यह असर करेगा स्वास्थ्य का साथ आपको नहीं मिल पाएगा फलतः स्वास्थ्य ही जब साथ नहीं है तो मैं कह सकता हूं भाग्य भी आपके साथ नहीं है परिश्रम के बाद ही आपको और अत्यधिक परिश्रम के बाद भी उसके अनुसार जो सफलता मिलनी चाहिए वो प्राप्त होता दिखाई नहीं पड़ रहा है भोग विलास की सामग्रियों में वृद्धि या भोग विलास की चीजों पर आपका खर्च बढ़ता दिखाई पड़ रहा है राजनीतिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं विशेष कोई आकस्मिक पद और धन का लाभ होने वाला है

और फिर भी सावधानी अत्यंत आवश्यक है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गाय को हरा चारा देवी मंदिर में जाना उनका दर्शन करना और देवी को गुलाब पुष्प अर्पित करिए इससे बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी और धनु के लिए गोचर सप्तम में होने जा रहा है सप्तम में यह उपस्थिति ठीक है हालांकि दाम्पत्य जीवन में कुछ मामलों में कटुता मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कई बार शक का कारण भी बनता है और कई बार जातक ईमानदार भी नहीं रह पाता तो यह सावधानी बहुत जरूरी है गुप्तांगों से संबंधित कुछ परेशानियों की संभावना है शारीरिक कष्ट दिख रहा है सावधान रहिएगा परिश्रम से पीछे मत हटिएगा तो तो अधिक 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 सफलता की प्राप्ति होगी और हां स्त्री वर्ग से विवाद की संभावना है तो इसका यह मतलब नहीं कि घर में बाहर भी यही होगा तो घर में हो तो आप लें बाहर हो तो फिर बेइज्जत होंगे बदनाम होंगे तो इस मामले में जरा सतर्क रहिए सचेत रहिए सावधान रहिए आपके जीवन साथी से विवाद हो यह जरूरी नहीं यह भी हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी हो जीवन साथी को अस्वस्थ रहना पड़े हालांकि लग्न पर यानी चंद्र कुंडली के आधार पर देखें तो लग्न पर शुक्र की दृष्टि का होना कहीं ना कहीं आपको सौंदर्य की ओर खींचेगा शारीरिक सौंदर्य की ओर विशेष आपकी रुचि जागेगी हालांकि धार्मिक कृत्यों में भी आपका मन लगने वाला है व्यय खूब बढ़ेगा और भूमि भवन वाहन का सुख तो प्राप्त होगा शारीरिक कष्ट भी कुछ हद तक संभव है तो स्वास्थ्य का आपने ख्याल रख, ख्याल रखिएगा खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ या श्रवण इस गोचर काल के दौरान अगर करते रहे तो आपको किसी तरह का कोई कष्ट ना आए शुक्र को ष्ठ में भी अच्छा लाभ देते देखा गया है फलतः मकर के लिए जो शुक्र का सठ में गोचर होने वाला है यह उपस्थिति मैं ठीक कह रहा हूं लेकिन वही है कि विभिन्न प्रकार के कष्टों का भी सामना करना पड़ेगा जैसे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी जैसे आपको पहले से ही मधुमेह इत्यादि है या स्वास्थ्य से संबंधित कोई और भी परेशानी आपको है तो यह गोचर काल आपको कष्ट दे सकता है कुछ मामलों में देखा जाए तो मित्रों से भाई बंधुओं से भी व्य मनस्यता बढ़ सकती है शत्रुओं की वृद्धि संभव है हालांकि एक बात तय जानी कि शत्रु वर्ग कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा पर फिर भी संभव है कि शत्रु बने साझेदारी में व्यापार करते हैं व्यवसाय करते हैं तो आर्थिक हानि की संभावना है तो ही मित्रों से वैचारिक मतभेद की संभावना है बारहवें पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि के कारण भोग विलास की सामग्रियों पर बेतहासा व्यय हो जाता है हालांकि यह है कि सारे खर्च सुखों पर ही होते हैं लेकिन व्यय की अधिकता के कारण कहीं ना कहीं चिंता होगी यात्रा आप कर सकते हैं यात्रा से लाभ है लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यात्रा में भी सावधानी बेहद आवश्यक है अन्यथा आर्थिक हानि होगी स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है दाम्पत्य जीवन में वातावरण जितना हो सके अच्छा बनाने का प्रयत्न करिए और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा देवी के मंदिर में जाइए देवी को गुलाब पुष्प अर्पित करिए और गाय को हरा चारा दीजिए तो यह गोचर और अच्छा फल देगा बुद्ध शुक्र का यह गोचर बुद्ध की राशि में जो कि होने जा रहा है कुंभ के लिए बहुत बढ़िया है बहुत ही बढ़िया यह उपस्थिति बहुत बढ़िया हर तरह के श्रेष्ठ परिणाम को लेकर के आ रहा है ये गोचर विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया जिनको संतानार्थी हैं जो संतान चाहते हैं कन्या संतति चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया वहीं यह गोचर घूमना फिरना आनंद देना आनंद देने वाला है नित्य नए की प्राप्ति होने वाली है नया वस्त्र नया भूषण धन धान्य में वृद्धि व्यवसायियों के व्यवसाय में वृद्धि आय में वृद्धि विद्या मान सम्मान में वृद्धि दाम्पत्य जीवन सुख में आमोद प्रमोद में वृद्धि यानी एक तम अत्यंत श्रेष्ठ समय व्यतीत होता दिखाई पड़ रहा है हर तरह से सफलता आपको प्राप्त होगी तो वहीं अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कार्यक्षेत्र में सफलता कार्यक्षेत्र में ही और आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा देखा जाए तो भाग्येश बनकर के और सुखेश बनकर के पंचम शुक्र का गोचर करना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है दाम्पत्य जीवन अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी संतान पक्ष से विशेष कोई चिंता थी या कोई टेंशन या मतभेद तो वो दूर होने वाला है संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम होने वाला है माँ भगवती लक्ष्मी की शरण में जाइए उनकी आराधना करिए उनके समूह कर का दिया जलाकर के सूक्त का पाठ करिए तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत सुखद और श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएगा मीन के लिए अगर इस गोचर को देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है अब चतुर्थ में इस उपस्थिति को मैं बहुत खराब तो नहीं लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगा हालांकि सुख में वृद्धि दिखाई पड़ रही है 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 नए नए मित्र बनेंगे समाज में मान सम्मान की की प्राप्ति प्राप्ति होने वाली है, वाहन इत्यादि शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे परंतु दाम्पत्य जीवन में कलह की संभावना दिखाई पड़ रही है चाचा बुआ मामा मौसी इनसे भी आपको सुख सहयोग प्राप्त होगा लेकिन जैसा मैंने कहा कि दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी तरह की गलत फहमी किसी तीसरे के कारण मतभेद कार्यक्षेत्र में सब कुछ बढ़िया है दशम पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि के कारण कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी सरकार से सहयोग मिलेगा सरकार की ओर से कोई उनकी सरकार की नीतियों के तहत अगर कोई लाभ मिल सकता है तो मिले राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बढ़िया होगा धन प्राप्ति के विशेष योग है सामाजिक कार्यों में विशेष आपकी रुचि उत्पन्न होगी पिता के साथ अगर काम करते हैं तो पिता से सहयोग मिलेगा पिता का धन अगर बंटवारे के लिए है तो उससे धन का बंटवारा हो जो कि आपके पक्ष में आएगा यानी कुल मिलाकर के अनुभूति ठीक ही होगी परंतु वही देखा जाए तो अष्टमेश बने शुक्र चतुर्थ में गोचर करेंगे तो माता के स्वास्थ्य में परेशानी लाएंगे माता को विशेष शारीरिक कष्ट देंगे जीवन साथी के साथ भी कही न कहीं ना कहीं कलह तालमेल नहीं बैठने देंगे परेशानी की स्थिति उत्पन्न करेंगे तो ये राशियां जिनको मैंने अच्छा नहीं कहा जरा सावधानी बरतें और गाय को हरा चारा दें शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाकर के भगवती को गुलाब का पुष्प अर्पित करें तो यह गोचर उत्तम फल प्रदायक बन जाएगा तो प्रिय दर्शकों ये था शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव आज के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार